हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 तक कवर किया था, बोरोइंग कॉस्ट, देन अकाउंटिंग हमें स्टैंडर्ड कवर करना है 17 है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग यानी कि जितने भी हमारे बिजनेस में अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स हैं या फिर डिफरेंट सर्विसेज के सेगमेंट्स हैं, तो ये डील करता है विद रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स के रिगार्डिंग, तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग डील करेगा कि, और वो भी अलग अलग सेगमेंट्स की। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट ए की, बी की, ठीक है, सी की, डी की, ये अगर 4 है तो 1, 2, 3, 4 की अलग अलग की, ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप की सेगमेंट्स के बारे में ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देता है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस एंड द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज इन विच इट ऑपरेट, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में जिसमें वो ऑपरेट करता है। क्लियर, तो ये आपका है एक, ठीक है, तो 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है आपकी बोरोइंग कॉस्ट, 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो अलग अलग सेगमेंट्स के भी जितने भी आपके डिफरेंट सेगमेंट से रिगार्डिंग है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट्स के लिए देगा। देन 18 आपको देता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, तो मुझे थोड़ा सा रिलेटेड पार्टी का बताना था, जैसे कि मान लीजिए आप एक कंपनी में सीईओ हैं, ठीक है, आपके, और ठीक है, अब आपका जो स्पाउस है, ठीक है, वो भी आपने ना अपने कंपनी में उसे भी लगा दिया, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि उसको आपने दूसरी जो ब्रांच के लिए दे दिया, तो अब आप दोनों ना गुड्स आपस में, ठीक है, आपने जो गुड्स था वो दूसरी ब्रांच में दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि वो आपके मतलब क्या है, फैमिली से ही है, ठीक है, जो आपके घर में ही जाएगा प्रॉफिट भी या लॉस भी, तो ये आपने क्या किया, ठीक है ना, आपने उसकी जो सैलरी थी, ठीक है ना, ठीक है, वो एक्सपेंसेस के तौर पे या फिर आपने उनको कमीशंस बहुत एक्स्ट्रा सैलरी दिखा दी, ठीक है ना, या आपने कभी कभी हम क्या करते हैं जब इनकम शो करनी पड़ती है टैक्स के लिए, तो हम जो सैलरी होती है वो हम कम दिखा देते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो डिस्कशंस हैं इसमें कि, ठीक है, तो इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, तो ये आपकी जैसे, और मान लीजिए कि दोनों ही सीईओ की पोस्ट पर हैं, दोनों ने ही जो गुड्स हैं उनको, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस पे दे दिया एक दूसरे से, वो इतना क्या कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट, तो ये सब कुछ गलत है। अगर आप एक कंपनी में हैं या कहीं भी हैं, तो आपको एक दूसरे से ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई वो मेरा फैमिली मैटर है, या वो मेरा जो है वो फैमिली से मेरा क्या है लिंकअप है, वो मेरा फैमिली से टाई अप है, तो ये सब चीजें तो आपको बतानी ही पड़ेगी, ठीक है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो वही है आपके पास, दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहता है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 डील्स विद द रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, तो ये डील्स करता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से एंड ट्रांजेक्शन से बिटवीन अ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज और उसके रिलेटेड पार्टीज के बीच की जो ट्रांजेक्शन है उनसे रिलेट करता है, डील करता है। तो ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है, डील्स विद रिपोर्टिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो अब आपको जो भी रिलेटेड आपस में पार्टी हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ये रिलेटेड मींस हैविंग अ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि उस एंटरप्राइज और रिपोर्टिंग यानी कि जो पार्टीज के बीच की जो ट्रांजेक्शन है किस बेसिस पर हुई है, ठीक है ना, तो उन दोनों बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, क्योंकि पता है कि एक का अगर लॉस है तो वो दूसरे का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या है, एक का ही लॉस है तो वही लॉस तो मतलब उसी का ही क्या है पर्सन का प्रॉफिट होगा, तो वो ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर।
19 है आपका लीज, ठीक है। तो हम कभी कभी गुड्स जो होते हैं वो लीज पे भी ले लेते हैं, लीज राइट का रेंट पे हम ले लेते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ रूल्स हमें स्टडी करने हैं इसमें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जो 14 है अमलगमेशन, उसका कुछ रूल्स बताऊंगी, देन 19 है उसका भी मुझे आपको समझाना है, ये हमारा एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं बट नॉट श्योर कि 100% उसमें से आएगा ही आएगा, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, ये तो आपको करना है। एंड देन 20 है आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कब कब निकालना जरूरी है, कौन कौन से बेसिस पे हमें कंप्यूट करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो अर्निंग पर शेयर प्रिस्क्राइब्स प्रिंसिपल्स फॉर द डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की को डिटरमाइन करना, रिप्रेजेंटेशन सब पे पर डील करता है। देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब कभी भी हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है, कि कंसोलिडेटेड वे में, लाइक जब कभी भी हमें दो की हमें यानी कि जैसे हमें कंसोलिडेट कर दिया हमने होल्डिंग का सब्सिडरी का, ठीक है, तो हमने उन दोनों को एक साथ किया, तो उसके भी आपको पता है अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, उनके अपने खुद के रूल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। देन ये आपके 22 है, 22 में आपके यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन था, प्लीज आप यहाँ पे लिख लीजिए डेफर्ड टैक्स एंड रेवेन्यू, ठीक है। डेफर्ड टैक्स का और डेफर्ड रेवेन्यू का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू, हाँ यही है 22 में। तो इसका भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी, ठीक है, कि जब कभी भी आपके पास कौन सा टैक्स हमारा मतलब ठीक है आउटस्टैंडिंग रह जाता है, ठीक है, और कब हम उस टैक्स को कब हम पेमेंट कर देते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो दैट विल आल्सो ओवर इन अवर एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। तो कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स मैंने अकाउंट्स में रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा कीजिए हैं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज अगर आप जितने भी लेंगे तो आपका एंटायर आपको कवर होगा कि हाँ मेरा इससे आउटसाइड मेरा कुछ भी कवर नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है, इनकम पे जो आपके टैक्सेस है उनसे रिलेटेड ये आपकी अकाउंटिंग है 22। तो Describe accounting treatment of taxes on income. मैं आपको बताऊं, इतने तो मुझे अकाउंटिंग ना याद है, मुझे 26 तक याद है, जैसे कि आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे अभी अनिश ने इससे पहले कहा था मैम 38 आई थी, ठीक है, 38 आपको देखनी पड़ेगी, 38 कौन सी आई थी, क्योंकि जो हमारी मैंडेटरी वाली तो मुझे याद है, ठीक है, मतलब लगभग मुझे याद है और याद आई जाती है उसके आस पास से रिलेटेड, 32 तक तो कैसे ना कैसे याद आ जाती है, ठीक है, पर आपके लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है, आपको तो खैर सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा एग्जाम टाइम का उस टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू था तब मैंडेटरी वाला बहुत ये ना लेटेस्ट न्यूज में आया हुआ था, कि मैंने 2017 का क्लियर किया हुआ है, तो मेरा 2017 में ये सारी अमेंडमेंट्स आई थी, तो मुझे मालूम था कि मैंडेटरी में से जो लेटेस्ट पार्ट है वो अभी आया है, तो वो तो आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सभी लर्न करने हैं, मैंडेटरी वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, मैंडेटरी में तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि ये तो सबसे पहले करना है, ठीक है। तो इसमें आ जाइए 23 में, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ठीक है, आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अलग अलग, तो उन इन्वेस्टमेंट्स के भी आपको हिसाब होना चाहिए, उन इन्वेस्टमेंट्स के भी हमें एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमें कब से वो कैसे ट्रीट करनी है, ठीक है। तो डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, ठीक है, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, बाय एन इन्वेस्टर्स के द्वारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको अलग अलग हैं,
आप इन्वेस्टमेंट्स आपने कहाँ लेवल पे की है, कौन से लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स की है, ठीक है ना, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उससे कितना प्रॉफिट है, क्या रिटर्न निकल के आएगा, आरओआई क्या है, एस्टिमेटेड उसके इनकम क्या है, ठीक है, अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में है, करंट, तो बहुत सारी इससे रिलेटेड हमारी अकाउंटिंग है वो इसमें हमें कवर करनी है, ठीक है। तो जब कभी भी आप एक फर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अकाउंटेंट को हायर तो करेंगे, तो उसका टास्क ही क्या होगा कि एक पर्टिकुलर आइटम को सबसे पहले वो सिलेक्ट करता है, ठीक है, फिर वही इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे वो डीपली उनमें से जो उनके रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, उन्हें देखता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ इसके बेसिक हेड्स हैं उनको स्टडी करना है। देन है 24 इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, तो कब कौन कौन से इसके, क्योंकि जब हमें ऑपरेशन को एंटरप्राइजेस को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, तो उनके लिए हमें इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, तो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, कि हमें ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू के बारे में, ठीक है, कौन कौन से कब कब हमें, अगर हमें ऑपरेशन को कंटिन्यू आगे नहीं करना है, मैं उसको शट डाउन करना चाहती हूँ, तो मुझे कब शट डाउन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस किस की मुझे पेमेंट पहले करनी है, तो वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देन इज योर 25th इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है ना, जैसे हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि हम साल के एंड में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, साल का एंड आप बोल सकते हैं, या आप उसे बोल सकते हैं कि हम, ठीक है ना, मार्च के एंड में हम उसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उससे अब पहले, ठीक है ना, हमें ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हमें अपने कंपनी को कंटिन्यू के रास्ते पे लेके जाना है, ग्रोथ पे करना है, हमें इतना उसमें से हम, ठीक है, शेयर कर पा रहे हैं, हम उसको कितना, ठीक है ना, राइट्स में उसको रख पा रहे हैं, तो वो है आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो वो बीच में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको ये इसमें बताया जाता है, खाली आपको इसकी हेड्स में देखना है, ठीक है, लाइंस में देखना है, क्या ये आपको इस चीज से, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको एंटायर बहुत डीपली स्टडी नहीं करना, जो जो डीपली स्टडी करने है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, लेकिन बस ये लिखना है, प्रिस्क्राइब द मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के कम से कम कंटेंट को ये बताता है, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के कम से कम कंटेंट को ये बताता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज अवर द इनटेंजिबल एसेट्स, तो ये मेरा इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, तो अभी ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स आपकी जैसे लाइक अ गुडविल, ठीक है ना, हमारी एसेट्स है जिसे हम टच नहीं कर सकते, तो इनका भी अलग से ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें वो अलग से इसका हेड है। देन 27 इज योर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, जो भी जॉइंट वेंचर होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग कब कब हमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो उनके लिए अलग प्रिंसिपल्स हैं और डिफरेंट उनके प्रोसीजर्स हैं। देन इज 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है, कि कभी कभी हम एसेट्स को क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि ये जो हमारे बहुत सारी एसेट्स हैं, ये बल्कि एसेट्स भी हो गई हैं और कुछ ऑब्सोलीट एसेट्स हो गई हैं, कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो हमें उस बिजनेस में प्रिपेयर रखनी है, ठीक है ना, अब इनका आने वाले टाइम में वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहने वाली है उन एसेट्स की, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि वो अभी ऑब्सोलीट नहीं हुई है, बट ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ठीक है ना, वो उसको टाइम हमें नहीं पता, तो इट्स बेटर कि हम उन्हें पहले से ही निकाल के अलग रख ले, ठीक है ना, ठीक है, जब तक कि, ठीक है, अगर आपके पास पहले से वो चीज के लिए होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देन इज अकाउंटिंग 129 प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड, ठीक है, कंटिंजेंट एसेट्स, तो बहुत सारे, ठीक है, प्रोविजंस होते हैं हमारे पास, लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, तो और एसेट्स हैं कि इन्हें हमें, ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन करना है, तो एप्रोप्रिएट रिकॉग्नाइजेशन इनका क्राइटेरिया होना चाहिए मैनेजमेंट बेसिस, ठीक है, कि हमें किस तरीके से, कि जैसे आपके पास है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है ना, ये हमने किया है प्रपोज डिविडेंड, तो ऐसे ही
हमारी कंटिंजेंट एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, तो इन सब का भी डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जो ICAI ने अनाउंस किया था 16 में ही, तो ये फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, मैंडेटरी की फील्ड में रखे हुए थे, पर 30, 31, 32, लेकिन फिर हमने इनको ना एक्सक्लूड कर दिया. उन्होंने 2016 में इसकी अनाउंसमेंट दी गई थी कि वो आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, आने वाले उसमें वो एक्सक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, तो 2017 से ये एक्सक्लूड हो गए थे, पर फिर भी एक्सक्लूड तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं कम हुई थी. ठीक है, इसमें ये था कि 30 में दिया गया था कि सबसे पहले तो हमें ये जानना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो मतलब मीडियम है, जो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, एंड हाउ टू मेजर लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट. तो यहाँ पे इसका ये पॉइंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, देन 31 इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका प्रेजेंटेशन, उन्हें क्या करना कि हमें उनको किस तरीके से करना चाहिए. तो ये सब ना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि रखा गया कि ये सब तो 11th में बच्चे सीख के ही आते हैं, अगर जिससे ये बेसिक नहीं आएगा तो ठीक है, आई होप कि उसको आगे का कोई भी जो करने का लाइक हमारे पास, अगर उसको ये सब जर्नल प्रिपेयर नहीं करना आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर नहीं करना आएगा, तो ये सब का आगे का स्टडी करना आई होप बेकार है. सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और यही सब कुछ चीजें समझाई जाती हैं. एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रही है. आप लोग प्लीज इतने ना IFRS पढ़ना शुरू करो. ठीक है, तो इंटरनेशनल है आपका. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. तो सबसे पहले हमने अपने मैंडेटरी एनालाइज किए, देन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत टाइम पहले की बिल्कुल स्टार्टिंग का सारा पार्ट दिया गया है, क्योंकि हमें हमारा जितना भी सारा का सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्ट है वो हमने बिल्कुल ब्रिटिशर से कॉपी किया है. तो वहां पे क्या था, इंग्लैंड में और वेल्स में, ठीक है, जो हमारे रेजिडेंट थे, हमारे नहीं यानी इंग्लैंड के जो थे, ठीक है, सर हेनरी बेंसन, तो उन्होंने इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की, ठीक है, स्थापना की थी, यानी कि वो 1973 में, क्योंकि हमने तो अपना उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत अच्छी ग्रो हो रही थी. ठीक है, इंटरनेशनली क्योंकि आपको पता है 1945 में आपका 44 में वर्ल्ड वॉर, देन उसके बाद ठीक है ना, जो भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में एमर्ज थी, लाइक जर्मनी थी आपकी, ब्रिटेन थी, तो ठीक है, तो ये सबको थोड़ा सा टाइम लगा अपने आप को ठीक है इम्प्रूव करने में. और वो टाइम था कि जब वो ठीक है उनको समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर से कुछ नहीं होना, कि एक दूसरे की हमारी डिपेंडेंसी है. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो थी वो 29 जून 1973 में आई थी लंदन में, एट द इनिशिएटिव ऑफ सर हेनरी बेंसन. ठीक है, उनके इनिशिएटिव के द्वारा आई गई थी. ठीक है, अब मेन चीज थी कि जब इसकी ना हमें एक ना बॉडीज प्रिपेयर करनी थी, कोई भी कमेटी आती है तो वो कमेटी के मेंबर्स तो ऑब्वियसली डिसाइड किए जाएंगे ना कि उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स होंगे. ठीक है, तो उस कमेटी के इसी टाइप से इस कमेटी के जो मेंबर्स थे वो डिसाइड किए गए कि इस कमेटी के कौन कौन से डिफरेंट मेंबर्स होंगे. तो टोटल 16 अकाउंटिंग बॉडीज थी, कहाँ कहाँ से, 9 नेशन से अकाउंटेंट आए थे, लाइक USA, कनाडा, ब्रिटेन, जितने भी वहाँ पे मतलब उस टाइम पे टॉप मोस्ट थी, तो सभी ने इसको साइन किया था. ठीक है, सभी ने, इनके मेंबर्स ने, ठीक है, इसके फॉर्मेशन के लिए
इस कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने क्या हुआ, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, साइन किया. तो साइन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स फॉर्मेशन के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को साइन किया. तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम 9 नेशंस, यूएसए, कैनेडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मेक्सिको एंड नीदरलैंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स फॉर्मेशन. इट डिवाइज, ठीक है ना, एंड पब्लिश्ड. ये क्या करती है, जब ये कमेटी आई थी तो अब ये करती क्या है, उसके जो मेंबर्स है कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, मतलब फ्रेम करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं. ठीक है, फिर क्या था कि एक्चुअल में क्या था कि ये कमेटी थी, लाइक कमेटी इज नॉट योर परमानेंट बॉडी. ठीक है, तो सबसे पहले एक टेम्पररी उसका सोल्यूशन निकाला गया, जब हमें लगा कि नहीं ये जो बॉडी है, ये जो कमेटी, ये एक्चुअली वर्क कर रही है, ये काम कर रही है. ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है. हमारे यहाँ पे भी आपने देखे होंगे कि बहुत सारी कमेटी सेटअप होती है, बैठती है, ठीक है, 4 साल के लिए, 3 साल, 5, मतलब जब तक उनका मतलब क्या होता है, काम कंप्लीट नहीं हो जाता, देन वो अपनी रिपोर्ट क्या करके सबमिट करती है, देती है. तो फिर वो जो कमेटी होती है, लाइक आपकी नर्स सीमा कमेटी थी, बैंकिंग में हुई थी, ठीक है ना, तो आपकी ऐसे ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी. ठीक है, देन रिपोर्ट देने के बाद उन्हीं सबको क्या किया गया, बाइंड अप किया गया, मतलब एंड कर दिया, खत्म कर दिया. फिर दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हमारे इंडिया है ना, तो चाहे इंडिया है या हमारे एक इंटरनेशनल लेवल पे, ये पूरा एंटायरली एक पैटर्न बन गया है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो एक कमेटी बिठा देती है. ठीक है, वो कमेटी में उसमें टॉप मोस्ट क्या होते हैं, मेंबर्स हायर कर देते हैं, देन वो मीटिंग करती रहती है अपने, मतलब डिस्कशंस लेती है, कब कब कैसे हुआ क्या हुआ, तो एक ना, तो उसके बाद क्या होता है, देन कोई भी हमारे पास चेंजेस आएगा कि वो पहले एनालाइज करेगी अपना पुराना, ठीक है, देन उसमें कौन कौन से फॉल्ट है उसको फाइंड आउट करती है, जैसे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर में हुआ ही था. तो ये सब चीजें हमने वहीं से ही अडॉप्ट की है. तो ठीक है, वही बता रही हूँ कि ये सब होता ही है, ठीक है ना, कुछ ऐसा एग्जैक्ट आपको किस तरीके से लर्न करना है वो बता रही हूँ. तो ठीक है, तो ये आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और उनका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था, उन सबको बताती थी. देन आपका 2001 में हमने क्या, मतलब उन सभी ने मिलके इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रखा गया, कि जिसने उस कमेटी को क्या किया, रिप्लेस किया. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रिप्लेस द कमेटी, ठीक है, क्योंकि वो जो बोर्ड था, वो बोर्ड क्या था, वो एक परमानेंट लेवल पे आ गया था. ठीक है, वो बोर्ड जब एक परमानेंट लेवल पे आया था, तो इन 2001 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रिप्लेस्ड द कमेटी. कमेटी को क्या किया, रिप्लेस किया. ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग न्यू बोर्ड अडॉप्टेड, ठीक है, तो एक न्यू बोर्ड था. इस फर्स्ट मीटिंग के दौरान इसका जो नया बोर्ड था वो अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, न्यू बोर्ड ने इंडियन, ठीक है, अकाउंटिंग, सॉरी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया था. तो अब यही जो बोर्ड कंटिन्यू आया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कहीं एग्जाम में एक कमेटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बोर्ड का तो आया हुआ था क्वेश्चन, कमेटी के नाम से नहीं आया, लेकिन बोर्ड के नाम से आया था. अगर कमेटी के नाम से भी आ रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये इंटरनेशनल की बात कर रहा था. तो ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग तो न्यू बोर्ड अडॉप्ट ने सबसे पहले एग्जिस्टिंग को, मतलब जब ये बोर्ड आया था, तो इसने कौन से, इससे पहले वाले स्टैंडर्ड को पब्लिश किया था, उसी को उसने लागू किया. फिर उसके बाद उसने जितने भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं बाद में उसको, ठीक है, कंटिन्यू किया चेंजेस को. तो ठीक है, बोर्ड हैज कंटिन्यूड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स कॉलिंग द न्यू स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उन्हें बोला गया. ये है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. देन आते हैं, बात करते हैं एग्जिस्टिंग कौन कौन से हैं. ये सबसे पहले एग्जिस्टिंग कौन से थे, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है. फिर उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग के बाद ये बताऊंगी, ठीक है. तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हम ये देखेंगे, उसकी आपके 2002 में, यानी कि कोविड की सिचुएशन में, ठीक
के 1 अप्रैल को हमने उनमें से किन किन को अडॉप्ट किया, मतलब अलग अलग डिफरेंट, ठीक है 101, ठीक है 102, जो कि अभी मैंने आपको समझाए थे मैंडेटरी वाले से ये अलग है, ठीक है मैंडेटरी वाले से अलग है, लेकिन कुछ इसमें 1, 2, 3 लिखा है ना, जैसे 12 लिखा है टेक्सिस का था, 10 ठीक है ना आपका, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है कुछ ये अलग डिफरेंट है, हमें पता है भाई तेरा टाइम हो गया होगा, ठीक है तो ये कुछ आपको लर्न करने होंगे, दैट्स इट, ठीक है। पर पहले सबसे पहले मैंडेटरी वाले देखना, और जैसे कि आपने कहा कि मैम 38 वाला आया था, तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा 38 वाला कौन सा था, क्योंकि मैंडेटरी वाले में तो 26 जो आपका है, देखिए मैंडेटरी में जो कि करना ही करना है, 26 आपका इंटेंजिबल एसेट्स का है, ठीक है तो आपके ये IFRA है, ठीक है यानी कि ये IS है, ठीक है RS है, इसमें अगर आपके पास आ गया है जैसे लाइक 26 आ गया 38 आ गया, तो ठीक है ना, तो इसमें अलग है वो 26 अलग है, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये कहता है कि अभी फिलहाल ना बहुत सारे मर्जअप मत कीजिएगा, ये नोट्स आपके पास ही हैं, ठीक है तो अभी फिलहाल इंटरनेशनल कर लीजिए एंड इंडियन कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है बहुत सारे इसमें है, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइक ये वाला जो आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे में क्या है 3rd है, इनके में 7 है, ठीक है देन हमारे पास ये वाला जो है इवेंट्स आफ्टर, ठीक है ना यानी कि जो उसके बाद के है या पहले के जो इवेंट्स है वो हमारे में 5 है पॉइंट, 6 डेप्रिसिएशन का था वो हट गया था, ठीक है तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि हमें, क्योंकि हमारे में 9 था 19 था सॉरी RR रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर 18 कर दिया है रेवेन्यू वाला पॉइंट, तो थोड़े बहुत तो चेंजेस हैं, ठीक है तो इन्हीं को पहले कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग कौन कौन से थे IFRS, तो आपको ना शॉर्टी लेनी पड़ेगी कि मैम वो IFRS पूछे गए थे इंटरनेशनल लेवल पे पूछे गए थे या इंडियन पे। अब मैं आपको सबसे पहली एक बात बताती हूँ कि ये सारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है आप लोग देख लीजिए, मैं एक एक करके इस पे भी दिखा देती हूँ, ठीक है ये सब आपको खुद कर ले, क्योंकि हेडिंग हेडिंग है वही सेम चीज है जो मैंने आपको वहां डिस्क्लोज किए, फर्क क्या है नंबरिंग में अलग अलग है, ठीक है ये आपके 13 तक हो गए, देन 13 से ठीक है आप एक बार देख लो कुछ ऐसा जो लगे कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है वही सेम चीज है, ठीक है वो आपके इंटरनेशनल, ठीक है 17 तक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट आइए 17 तक अच्छे से देख लिया, ठीक है फेयर वैल्यू मेजरमेंट लाइक हमें इन्वेंट्री का, ठीक है मेजरमेंट का मैंने बताया था, बस यहाँ हेडिंग में डिफरेंट है सबसे पहला। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नेट के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है बहुत सारे कंफ्यूजिंग हो गए होंगे, नेट के लिए आप सबसे पहले सिर्फ इंडियन वाले पढ़िए, ठीक है बहुत आपको इंडियन वाले टिप्स पे सब याद हो गए हैं, देन आप इंटरनेशनल लेवल पे जाइए, अदरवाइज IFRS का मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया कैसे था कहाँ से आया, ठीक है आपके 17 है ये 17 भी बता दिए, ठीक है इनको ये हमारे से ही है मतलब हमने इनसे ही लिए हैं, पर हमने अपने नंबरिंग को सेम इनसे कॉपी नहीं किया, वो थोड़ा नंबरिंग में डिफरेंट है, ठीक है तो पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम ना एक्चुअली क्या है सबसे पहले अगर आप एक कंपनी सेटअप करोगे तो हम इंडियन कंपनी, अगर आप एक अकाउंटेंट बनते हो तो आप सबसे पहले आपको इंडियन के आने चाहिए ना, आपको इन्हीं कंपनी का रन करना है, तो इसीलिए नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, ये आपको ये वाले भी लर्न करने हैं, ठीक है जैसे कि ये रहा आपके पास ये है तो ये आपको ठीक है IIAS है, ठीक है वहां तक तो सबसे पहले मैंडेटरी तक तो कर ही लेना, ठीक है वो तो वहीं से कर लेना, उसके जो हायर वाले आते हैं लाइक आपके हमने वो वाला 29 तक किया था, ठीक है देन 32 हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपरेशन, 33 अर्निंग पर शेयर, 34 इंटरिम, ठीक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 36
इम्पेयरमेंट ऑफ, है वही सेम चीज, देखिए थोड़ा सा टर्म में अलग अलग है। जैसे कि आपने कहा कि मैम 38 आया था, अब आपको ये जानना जरूरी कि 38 कौन से वाला आया था। ये जो देखो, ये भी जो मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड है वो तो है ही है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन ये जो अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दो दो इंडियन स्टैंडर्ड हैं, ये कैसे पॉसिबल है। कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट है उसके अंडर ये सारे दिए गए हैं, समझ में आया। जो मैंडेटरी है वो तो सबसे पहले लर्न करने हैं, ठीक है, 32 तक है वो। अब आपको लगता है कि 36 आया है, 37 आया है, 40 आया है, 41 आया है, तो इसका मतलब वो आपके कंपनीज एक्ट के हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने क्या किया, कंपनीज एक्ट ने अपने जो स्टैंडर्ड जब प्रिपेयर किए हैं ना, तो उसने इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर किया, तो उसने इंटरनेशनल लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो ये है आपके इंडियन, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये सब आपको करने होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैम हमें नहीं समझ आया कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, पेपर के लिए कौन से करने हैं, ठीक है। और इससे ये आपके अलग हैं 101, ठीक है, ये 101, 102, 103, ये डिफरेंट है, ये आपको 2020 वाले हैं, तो ठीक है। तो ये जैसे 1 से लेके ये 2020 में किस तरीके से डिफरेंट चेंजेस आए थे, ठीक है, ये वो वाले हैं, इन्हें बाद में करिएगा, ठीक है। पहले कौन से करने हैं, पहले आपको जो मैंडेटरी है वो वाले करने हैं। मैंने इसमें हर चीज दी हुई है, और लर्न करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको कंपनीज एक्ट वाले कर लेना, ये वाले जो इंडियन वाले, ठीक है ना, IAS है, ठीक है, सबसे पहले BA कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, और कौन कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है ये भी सुन लीजिए। वहां पे तो जहां मैंडेटरी वाले हैं वहां पे तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं था ना कि वो किन किन के लिए है, ठीक है, उसमें तो क्या था, वो सबके लिए है, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, ठीक है, जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिनका नेटवर्क सबसे पहले ये स्टॉक एक्सचेंजेस वाले के लिए है, 250 करोड़ और उनसे ज्यादा है, उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, बहुत चीजें हैं। नेम नंबर किया गया है उसी तरीके से जिस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया है। इसकी अजम्पशंस यही है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशंस हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, वो चलती ही रहेगी, एंड नहीं होगी, और एक्रूअल अजम्पशंस के ऊपर ही बेसिस है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपके 2020 वाले हैं, ये कंपनीज एक्ट के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये समझ जाना, ये जो आया है ना, ये 114, 115, 116, ठीक है, तो ये आपके कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आए हैं। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है इंडियन AS, तो मुझे नूतन और अनिश ये बताइए कि किस फॉर्म में आपके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए गए थे, ठीक है। तो एक तो 2020 वाले मैम कंपनी जी इंडियन वाले ही आए थे। हाँ यही वाले आए थे, इंडियन वाले ये, जी यही आए थे, मैट्रो हाँ, तो यही तो, ये तो करने हैं। क्यों? में थे ये। क्योंकि देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बोला, दो तो आपको करने ही करने, एक तो ये वाले करने हैं क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लेटेस्ट में तो अकाउंट्स में आपको पहली बात तो सबसे पहले वो करोगे, दूसरी बात कि मैंडेटरी भी जरूरी है क्योंकि वो मैंडेटरी फॉर्म में है, ठीक है। तो वो आपके 2017 में आए थे कि मैंडेटरी फॉर ऑल, और जब कंपनीज एक्ट ने निकाले, कंपनीज एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक के लिए निकाले। तो आपको अगर IAS वाले लीव करने हैं तो आप इनको लीव कर देना, ठीक है, छोड़ने हैं, लेकिन ये न मत करना कि मैम हमारे उसमें आया था, ठीक है, हमें नहीं समझ में आया था, हमने कैसे करना था, क्या है, तो इस तरीके से है, तो वो देख लेना, ठीक है।
तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है हमें फेयर और ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, सबसे पहली बात तो इसीलिए ये प्रिपेयर किया गया है। बेनिफिट्स हैं कि अकाउंटिंग में वेरिएशंस को एलिमिनेट करें, हर इंफॉर्मेशन को अच्छे से दिखाएं, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से कंपेयर करें, सही चॉइस करें।